वेलकम बैक गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की पहली एक्सरसाइज, जो है एक्सरसाइज 8.1। आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन हमारा ये है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन फर्स्ट साइन ए कॉस ए एंड सेकेंड साइन सी कॉस सी। अब देखो यहाँ पे, पहले यहाँ पे कॉमा लगा दूंगा, गड़बड़ हो गई है। हाँ ठीक है, अब ये देखो इसमें बोला साइन ए फिर कॉस ए निकालना। साइन ए इसमें एंगल स्पेसिफाई कर दे कि साइन ए पे है, ये वाला एंगल हमने बनाया है साइन ए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये वाली जो साइड हो जाएगी ये बेस हो जाएगी, ये अब हमारी हाइट नहीं रहेगी, मतलब परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, अब ये बेस हो जाएगा, क्योंकि जो इंक्लूडेड एंगल का जो साइड साइड रहता है वो बेस हमेशा होता है, और ये वाली हमारी जो बेस थी वो अब हाइपोटेन्यूज बन जाएगी, ठीक है। वो एंगल स्पेसिफाई करने से होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, जो कि BC अपॉन AC है, BC अपॉन AC, मगर हमें AC नहीं गिवन है, ये क्वेश्चन मार्क है, तो हमें सब फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम पाइथागोरस थ्योरम से कर लेंगे। बाय पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो वो होता है h² = p² + b²। तो हमारा h AC है तो AC का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू पी स्क्वायर हमारा क्या है परपेंडिकुलर, BC, BC हमारा 7² है, प्लस बी स्क्वायर क्या है 24 का स्क्वायर कर देते हैं। तो AC इक्वल्स टू रूट ओवर 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है, और 24 का स्क्वायर होता है 576। तो ये हम 576 लिखते हैं। तो AC हमारा क्या आएगा, रूट ओवर 9650 होता है, 5 या 1 कैरी ओवर 5 हो जाएगा, 5712 2 यहाँ 1 कैरी ओवर 625। तो 625 हमें पता है कि वो 25 का रूट होता है, 25 ही लिख देंगे, 25 सेंटीमीटर हमारा आ गया AC का वैल्यू। अब हम साइन ए में पुट करेंगे, साइन ए में साइन ए फिर से लिखेंगे इक्वल्स टू P/H, परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, ये BC अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा AC, तो हो जाएगा 7 अपॉन हाइपोटेन्यूस हमारा 25, ये हमारा साइन ए निकल गया। अब हम कॉस ए निकालेंगे, वैसे ही कॉस ए क्या होता है B/H, तो B इसमें क्या है हमारा AB, क्योंकि एंगल यहां बन रहा है तो ये वाला जो साइड बनेगा ये वाला ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे AB अपॉन हाइपोटेन्यूस हमारा AC है, तो AB हमारा क्या 24 और ये हाइपोटेन्यूस 25, तो ये हमारा साइन ए कॉस ए निकल गया। अब हम दूसरा वैल्यू निकालेंगे, अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला था साइन सी कॉस सी, ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हम इसमें क्या लेंगे, ये वाला एंगल हम लेंगे, ये इसमें इसके साथ साथ ये बेस हो जाएगा, ये हाइट ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं साइन सी बराबर होता है P/H, पी क्या है हमारा, अब पी ये नहीं रहेगा, BC नहीं रहेगा, AB रहेगा, तो AB/AC, AB कितना हमारा 24, AC कितना 25, ये हो गया। अब कॉस सी देखते हैं, कॉस सी वो होता है हमारा B/H, तो B अब ये रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये रहेगा, तो BC अपॉन AC, तो ये हो जाएगा 7/25। तो ऐसे हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो हम नया क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो आपको दिखा देता हूँ सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इन फिगर 8.13 फाइंड टेन पी माइनस कॉट आर, ये फिगर है, हमें टेन पी माइनस कॉट आर निकालना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन एक बार लिख लीजिए, टेन पी माइनस कॉट आर, ये हो गया। अब हमें टेन पी के लिए टेन में होना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
तो पर अगर टेन पी ए है, ये लिया अपन ने टेन पी, तो परपेंडिकुलर ये होना चाहिए और बेस ये होना चाहिए, मगर हमें परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर लिख लो टेन पी क्या होगा। टेन पी है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा क्यू आर है और बेस हमारा पी क्यू है, तो क्यू आर हमें नहीं पता है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से फिर से निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस हमारा 13 है, तो 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर नहीं पता, प्लस बेस स्क्वायर हमें पता है कि क्या है, बेस हमारा 12 है, 12 का स्क्वायर करो। अब ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर होता है 169, माइनस ऑफ 12 का स्क्वायर होता है 144 इक्वल्स टू पी स्क्वायर, तो पी हो जाएगा हमारा रूट ओवर 9 में से 4 जाएगा तो 5, 6 में से 4 जाएगा तो 2, और 1 में 1 जैसे 0 हो जाएगा, तो पी इक्वल्स टू √25, तो पी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो अब हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू निकल गई है पी, जो कि 5 सेंटीमीटर है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, सिंस पी इक्वल्स टू क्यू आर विच इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, तो यह हमें पता चल गया। अब यहां पे आप देखते हैं दूसरा फर्दर सॉल्व करेंगे, अब हमें सबकी साइड पता चल गई है, तो हम टेन पी अब निकालेंगे। टेन पी इक्वल्स टू पी बाय बी विच इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो क्यू आर हमने अभी अभी निकाला 5, और पी क्यू हमें पता था 12, तो ये हो गया हमारा 5/12, टेन पी हो गया। अब यहाँ पे वैसे ही निकालेंगे कॉट आर, तो कॉट आर में होता जस्ट रिवर्स टेन का, पी बाय पी, ठीक है। तो बी बाय बी में क्या करेंगे, बी बाय पी हमारा क्या होगा, इसमें कॉट आर बोला तो एंगल फिर चेंज हो गया। अब हम इस वाले चेक करेंगे एंगल कौन सा बोला है, कॉट आर, ठीक है ये है, तो इसमें ये वाला एंगल अब ले लेंगे हम कॉट आर को। तो कॉट आर में क्या हो जाएगा, जिस साइड में टच कर रहा है, तो ये इसकी साइड बेस हो जाएगी, ये इसकी साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो क्यू आर अब हमारे बेस हो जाती है। तो यहां पे अब हम लिखेंगे क्यू आर अपॉन परपेंडिकुलर हमारा था पी क्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू हमारी 5 है, पी क्यू की वैल्यू हमारी 12 है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में था टैन पी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टैन पी माइनस कॉट आर गिव्स, टैन पी हमारा कितना निकला 5/12, माइनस कॉट आर कितना निकला 5/12, तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो 5 माइनस 5 एलसीएम हमारा सेम आएगा 12, तो ये हो जाएगा 0/12, जिसका आंसर होगा 0। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हुआ।